और पथरी और जो है पित्ताशय में पथरी थी। सर्जरी के बाद मुझे गर्म पानी दिया गया, हल्की फुल्की डाइट दी गई और पूरा मुझे घुमाया गया और आज मुझे जो है कोई प्रॉब्लम नहीं हो डिस्चार्ज करना है। और गाल ब्लेडर के बाद जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है वो मुझे नहीं है। मेरा खाना पीना जो रूटीन था पहले पूर्व की तरह ही मेरा रूटीन चल रहा है, किसी तरह का कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं है, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मेरा नाम सुनील कुमार सोनी, मेरी उम्र 61 वर्ष है और मैं नीमच निवासी हूँ। मुझे हर्निया और पथरी और जो है पित्ताशय में पथरी थी और प्रोस्टेट का भी मैं 3 बीमारियों से ग्रसित था। तो मुझे डॉक्टर चिराग साहब के मामले में अमझेरा जिला धार से मुझे एड्रेस मिला, कि बहुत बढ़िया डॉक्टर है। तो मैं जो है विगत 2 साल से परेशान था बीमारियों से, तो अब जरा से मुझे एड्रेस मिला तो मैं डॉक्टर चिराग साहब से मिला और उन्होंने कहा कि इनको अपरेट करना पड़ेगा। तो हार्निया मेरा नाभि में था और मेरे को 3 स्टोन निकले। कल मेरी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई है और सर्जरी के बाद मुझे गर्म पानी दिया गया, हल्की फुल्की डाइट दी गई और पूरा मुझे घुमाया गया और आज मुझे जो है कोई प्रॉब्लम नहीं हो डिस्चार्ज करना है। मुझे मतलब जो है पथरी एवं जो हर्निया की प्रॉब्लम थी, तो मैं डॉक्टर साहब से मिला, डॉक्टर साहब ने मुझे ऑपरेट किया है और ऑपरेट करने के बाद जो है उसी दिन मुझे छुट्टी दे दी गई और मैं बढ़िया आराम से घुमा फिरा हूँ। और आज फॉलोअप के लिए यहाँ 2 दिन बाद में क्लिनिक पे आया हूँ और आज मुझे पूरा डिस्चार्ज कर दिया गया है। मैं बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ हूँ, किसी तरह का कोई दर्द नहीं है। हेलो, मैंने 2.5 महीने पहले जो है डॉक्टर साहब को दिखाया था, मेरा जो है स्टोन का और जो है गाल ब्लेडर का ऑपरेशन हुआ था। मुझे 2 महीने हो चुके हैं, मेरे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरा जो रूटीन है उसी रूटीन के हिसाब से मैं आज भी काम कर रहा हूँ। और जो गाल ब्लेडर के बाद कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है वो मुझे नहीं है और मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। और 3 महीने बाद मुझे दिखाना था, तो आज मैं डॉक्टर साहब के पास चेकअप कराने आया हूँ। मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से ठीक हूँ।